अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन मनावर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रतिभावान महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रतिभावान महिलाओं को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन और प्रेस क्लब मनावर के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती सुनीता नारायण सोनी ने कहा कि महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम को डॉक्टर कल्पना पाटीदार, रजनी पाटीदार, निंद्रा मिश्रा, पूजा रावत, पिंकी जैन, वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सेन ने कहा, आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यह सशक्तिकरण तो हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों, वेदों, ऋचा में पहले से ही विद्यमान है, इतिहास का साक्षी है। आपका अधिक परिश्रम, शिक्षा, प्रेम, समाज सेवा, दृढ़ संकल्प एवं समर्पित भाव बहुमुखी प्रतिभा से समाज आलोकित होता है। सैयद रिजवान अली ने कहा, 8 मार्च 1908 न्यूयॉर्क अमेरिका में महिलाओं ने आंदोलन किया था। जब 12 घंटे की कामकाज की शिफ्ट थी, उसे 8 घंटे किया, तभी से हम महिला दिवस 8 मार्च को मना रहे हैं। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। आपका परिचय ले लीजिए। अध्यक्ष, हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में हमारे प्रकल्प दिए हुए हैं, पर्यावरण, जन जागरण, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, नेत्रदान, अंगदान के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य कर रही है। इसकी 21 देशों में संस्थाएं खुल चुकी हैं, 21 राज्यों में संस्थाएं खुल चुकी है, 9 राज्यों में भी खुलना बाकी है। इसके अंतर्गत हम महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत यह हमारा वो रहता है कि महिलाएं आजकल प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सभी क्षेत्रों में, डॉक्टर्स, टीचर, सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और आज के टाइम को देखते हुए महिलाएं जितनी आगे बढ़ रही है उतना हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और उन्हें आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। और वह महिलाएँ दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर समाज को जागृत करें और हमारे राष्ट्र और देश का नाम रोशन करें। आज मारवाड़ी समाज की ओर से भी महिला सशक्तिकरण और हमारे इसमें नेत्रदान में भी हमने माधुरी जी को इनवाइट किया था, वो नहीं आ पाए। वो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेत्रदान देव मरने के बाद और अंगदान और साथ में रक्तदान का भी कार्य करें, जनता में जागरूकता फैलाएं, पर्यावरण में पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, पानी बचाएं। इसके साथ ही हमारे पौधारोपण, वृक्षारोपण का भी कार्य करें और नारी को हर राष्ट्र में हर तरह से जागृत करें, उन्हें सुशिक्षित बनाएं और उन्हें उच्च शिक्षा दें और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि कहते हैं कि नारी के 1000 फूल चाहिए एक माला को बनाने में, 1000 दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, 1000 बूंद चाहिए सागर बनाने के लिए। हमारी एक ही नारी काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।